वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। पापा ने एक काम दिया है, आज इलेक्शन चल रहे हैं ना, इलेक्शन के रैली में जाना है। आज पापा के साथ जाता हूँ, उधर दिखाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक वो भी आ रहा है, आपको मिलवाएगी भी उससे। अभी आपके लिए सरप्राइज है, कौन आ रहा है दिखाते हैं आज रैली में, कौन आ रहा है आज देखते हैं। उसके सपोर्ट से यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है, अभी दिखाते हैं आपको। चलो मिलते हैं आपको रैली में ही सीधा जाके यहाँ से। अभी एक दोस्त आ रहा है, पहले दोस्त के साथ कुछ खाने जाऊंगा, फिर उसके बाद आएंगे रैली में। अभी निकल चुका है, उसे आने दो रैली में, फिर उसके बाद जाएंगे। पहले चलते हैं अपना खाना खाने, वैसे रैली के लिए बंदे तो खड़े हैं सारे। शकल क्या चाहिए यार? सेवा है सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते। मैं देख रहा हूँ साथ में किसको लेके घूम रहे हैं, तो जो कहता है भारत तेरे टुकड़े हो गए, ऐसे कन्हैया कुमार को साथी बनाते हैं। तो सबसे पहले खड़ा होकर के हम भाजपा वाली उस समस्या का निदान करने, तो इसे ज्यादा मैं क्या याद दिलाऊं। कई बातों के डिटेल्स में जाने से मन खराब होता है, और ऐसा नहीं कि हम आपसे ज्यादा समझदार हैं। हमको तो आप लोगों ने सुपरस्टार बना रखा था, लेकिन अब मैं गली गली घूम करके नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से दिल्ली को सजाने में लगा हुआ हूं। मैं इसलिए आपसे शरद कपूर मांग रहा हूं। बाई तरफ भी कुछ लोग आके भर गए, जितने लोग यहाँ आ गए ये अगर फोटो देखेगी दूसरी पार्टियां तो उसका सांस ऊपर की तरफ चलने लगेगा। इतने लोग कैसे आ गए नुक्कड़ सभा में, ये हमारी कोई कमाल नहीं है, ये हम सब नरेंद्र मोदी के साथी होने का आपका विश्वास है मेरे भाई बहन। यहाँ इस सड़क पे दिखाई दिया है आप समस्याएं गली गली से कंडाल भर भर के निदान भेजेंगे, और इससे अमर कॉलोनी क्षेत्र को आप लोग अच्छा बनाने में शरद कपूर की सेवा लीजिए, यही हमारी प्रार्थना है। यहाँ से हमें अभी हम सभी धर्मों का करते हैं सम्मान, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब तो मैं सोच रहा हूँ निकलूंगा कैसे। और हम यही बात जनता से पूछना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने भी अपना जो कैंडिडेट है गली गांव से ही खड़ा किया है। हमने उस दिन भी एक लाइव डिबेट में उनसे पूछा कि आप जहाँ रहते हैं गली गांव में उसकी हालत आप एक बार जाकर देखिए, ये हालत के अंदर विधायक जी आपको लेकर तो घूम रहे हैं पर विधायक जी के पास कोई जवाब नहीं है। क्या गंदे पानी की समस्या है, या सीवर तो पूरी गड़ी बनी हुई है, पूरी गड़ी टूटी पड़ी है, अभी तो बरसाते नहीं है। हमारा बारिशों में आ गए तो घुटने तक यहाँ पानी भरा हुआ था। सेवा के मोटिव से तो नहीं आएंगे, आएंगे अपनी बिल्डिंगें बनाएंगे कमाएंगे और निकल जाएंगे, पर गड़ी की हालत ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी। गाड़ी की हालत अभी ऐसी है, आप कितनी शताब्दी दे सकते हैं लोगों को कि ये पक्का हो जाएगा, इसमें विश्वास कर सकते हैं? जैसा कि मैंने गाड़ी गाँव में जितनी की सभाएं की, मैंने एक बात बोली है, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, चंद्र एक्सटेंशन तक ही जाता है, चंद्र एक्सटेंशन है, पंत नगर है, लक्ष्मी नगर 3 है, लक्ष्मी नगर 1 ABCD है, लक्ष्मी नगर 4 पूरा है, ये है इंदिरा कैंप के 2 बूथ है, हमारे श्रीनिवासपुरी का भी एरिया। मगर सबसे ज्यादा जो काम की जरूरत है वो इस गाड़ी गाँव को है, सबसे पहले जो वर्क ऑर्डर पास होंगे वो इस गड़ी गांव के ही होंगे। अरे वो ये हमारे साथ शरद कपूर जी थे, इन्होंने बताया कि सबसे पहले ये गड़ी का काम करेंगे।
अभी इंदिरा कैंप की जा रहे हैं कि भी ऐसी ही हालत है, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वहाँ पर फिर भी सड़कों की या सीवर की इतनी बड़ी पोजिशन नहीं है, वहाँ पर हर जगह क्षेत्र की अलग यहाँ पे समस्या है। मुझे हर क्षेत्र की समस्या के बारे में पता है। गढ़ी गांव में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सफाई की है, सैनिटेशन की है। गढ़ी गांव में जाओगे तो वहाँ पर कुत्तों के ढेर लगे हैं, मच्छर हो गए। जो हालत यहाँ की है सड़कों और पानी की बात करिए, इसके अलावा कोई और मुद्दे हैं? पहले ले चुकी होती है, जैसे ही हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने डीकम्पोजर स्टार्ट कराए कि इस कूड़े के ढेर को खत्म करने के लिए, वैसे ही अगले दिन से उन्होंने सड़क पे कूद गए कि हम देखो जी कूड़े का ढेर बन गया, कूड़े का ढेर। वो तो उनकी पुरानी आदत है, DRDO सेंटर बना था कोरोना के टाइम में, जब ये गए थे वैसे क्वारंटीन थे, पर जिस दिन पता चला DRDO सेंटर तैयार हो गया उस दिन ये भाई साहब सामने आके खड़े हो गए थे कि हमारी आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पहले दूसरी जो पहली सरकारें थी उन्होंने किया था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आके लागू किया, तो ऐसा तो बीजेपी के साथ भी हो रहा है कि किसी और ने वो चीजें शुरू करी थी लेकिन बीजेपी लागू कर रही है उसको? ऐसा जी, जो चीजें सही होंगी, जो स्कीम सही होंगी, यहाँ के भी पार्षद रहे हैं अभिषेक जी, उन्होंने जहाँ पे सही काम किया उसको सही बोलते हैं, और जहाँ पर कमियाँ हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, वो कमियों को हम पूरा करेंगे। हम नेगेटिव राजनीति करने के लिए नहीं आए कि जी जो चीज़ पहले से हुई भी उसको हम सिरे से खारिज करके नए तरीके से करेंगे। सारे लोग समझदार हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ सही डायरेक्शन में चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जहाँ जहाँ चेंजेस की ज़रूरत है उन चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कुंडल कुंचित के साहा।